अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स एफबीआर में वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको एड की रिव्यू करवाई थी कि कौन कौन सी पोस्टें हैं एफबीआर के अंदर और क्या लास्ट डेट है इसकी और कैसे अप्लाई करेंगे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था। बट ये कि आज मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे एफबीआर की पोस्ट के लिए। चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये देखें एफबीआर के एड में इन्होंने मेंशन करा हुआ है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस थ्रू नेशनल्स जॉब्स पोर्टल एंड जेपी और ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है। लिंक आपने क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाके एड्रेस बार पे इसको टाइप कर लेना है। आप टाइप करेंगे तो कुछ ऐसा आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। ये ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है और जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेना है तो जैसे एक मैं ऑलरेडी इस पे अकाउंट अपना क्रिएट कर चुका हूँ और जैसे कि मैं आपको तरीकेकार बता देता हूँ कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसको जस्ट करना है कि आपने साइन अप करना है। यहाँ देखें अकाउंट टाइप आपने कैंडिडेट साइन अप यस ठीक है और यहाँ अपना सीएनआईसी नंबर पुट करना है, ईमेल एड्रेस आपने पुट करना है और आपने जो है 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड इधर एंटर करना है और पासवर्ड इधर जो है रिप टाइप करके इसको पासवर्ड देना है और जैसे कि साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस पर। और जैसे कि ऑलरेडी मेरा इस पर अकाउंट जो है क्रिएट है तो मैं जैसे कि साइन इन कर लेता हूँ। तो जस्ट मैंने साइन इन पे क्लिक करा और ये मेरे सामने विंडो ओपन हो गई है। इधर मैं अपना जो है सीएनआईसी नंबर पुट करूंगा और ऑलरेडी जो है मेरा जो है पासवर्ड एंटर है और ईमेल एड्रेस एंटर है। तो जैसे कि मैं अपना जो है सीएनआईसी नंबर पुट कर लेता हूँ तो जस्ट मैंने एनआईसी नंबर अपना एंटर कर दिया है और साइन इन कर दिया। जस्ट मैंने क्लिक करा ये मैं साइन इन सक्सेसफुल हो गया हूँ। ये देखिए मेरे सामने ये मेरा डैशबोर्ड आ गया है। देखिए मैंने ऑलरेडी जो है स्टूडेंट आई पी एस में अप्लाई कर चुका हूँ, ये मुझे एप्लीकेशन नंबर भी मुझे मिल चुका है। चलते हैं और आपने करना क्या है, आपने इस पे जो है अपना डेटा जो है आपने इसमें पुट करना है। जो जैसे आपने इधर जाना है देखें सीवी मैनेजर है इसको क्लिक करना है सीवी मैनेजर को और यहाँ जो है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस इन्फॉर्मेशन एजुकेशन यहाँ सब चीज़ें जो है आपने इसमें पुट कर दी हैं। और जैसे कि आपकी ये 100% जो है सीवी शो करेगा तो ये आपकी कम्प्लीटली डिटेल्स ये इनको जो है आपने पुट करके देनी है ऑनलाइन ठीक है। आप चलते हैं आप जो है कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम कर लेते हैं बैक। ठीक है ये देखें मैं जी डैशबोर्ड जो है ओपन है, ये देखें मेरा डैशबोर्ड ओपन है। ये हमारे डैशबोर्ड आ गया सीवी जॉब एप्लीकेशंस एंड प्रोफाइल साइन आउट। ठीक नीचे हम सर्च करेंगे एफबीआर की जॉब्स। अच्छा देखें हम ऐड पे जाते हैं, ऐड पे हमें इन्होंने बताया है डायरेक्टरेट जर्नल्स ऑफ डीएनएफ बीपीएस एच क्यू इस्लामाबाद, ये हमने सर्च करना है। इस पर एफ बी आर मैंशन नहीं होगा, एफ बी आर इस पर टाइप करेंगे तो नहीं आएगा। वो एफ बी आर उधर जो है किसी पोस्ट पे मैंशन नहीं होगा नेशनल जॉब पोर्टल में, तो आपने इस नाम से सर्च करना है डी एन एफ बी पी एस। ठीक है अब मैं इधर सर्च कर लेता हूँ, ये है हमारे सामने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डी एन एफ BPS for the Director General of DNF BPS HQ Islamabad। बट ठीक है मैं कराची से बिलोंग करता हूँ तो मैं कराची में अप्लाई करूँगा। तो यहाँ आप सर्च कर लें कराची के लिए तो ये देखें ये स्टैंडर्ड टाइपेस डायरेक्टरेट जर्नल्स ऑफ DNF BPS for Directorate of DNF BPS Karachi। तो ऑलरेडी देखें मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो अप्लाई नहीं होगा। तो बट ये है कि आपको समझाने के लिए मैं ये कोयटा का है तो कोयटा पे मैं अप्लाई नाउ कर देता हूँ। तो सामने ये देखें आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होगी स्टेनोटाइपेस्ट एंड ये देखें हम मेंशन कर रहे हैं मिनिमम 65% सीवी कंप्लीशंस एंड रिक्वायर्ड, यानी कि आपने 65% जो है आपने मिनिमम 65% तक के अपना डेटा जो है इसमें पुट करना है और जो है यहाँ नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मिनिस्ट्रियल्स ऑफिस स्टाफ है
और मैक्सिमम एड्स लिमिट 30, और मेरी जो एड्स इस पे आ रही है क्योंकि मैंने डेटा पुट किया था, तो मेरी ये एज आ रही है 20 साल 6 महीने। ठीक है, आप जैसी डेटा पुट करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इधर शो कर देगा आपको एज। ठीक, और ये आप ये रूल चेकआउट कर लीजिएगा। आप इस अगर रूल से जो है बिलोंग करते हैं तो इसको आप जो है चेक मार्क कर लीजिएगा। रेडी टू पे चेक मार्क करूंगा और जस्ट मैं अप्लाई कर दूंगा। यू आर एलिजिबल, क्लिक टू अप्लाई नाउ। तो जस्ट को मैं क्लिक करूंगा तो मैं रजिस्टर जाऊंगा इस पे। ठीक है ना, ये ही है तरीके का अप्लाई करने का। बट अगर कोई कंफ्यूजन आपको पेश हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे इजाजत दें इस अपने पन के साथ कि अपना खास ख्याल रखिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।